सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आज हम देखने वाले हैं एबेकस की लेवल 1 का 7वां लेसन, जिसमें हम देखने वाले ऑल ऑल स्मॉल फ्रेंड कॉम्बिनेशन। और इसमें हम आज कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एबेकस मेथड से। तो ये पार्ट 3 है बेसिकली। इसके पहले मैंने दो पार्ट्स बना दिए हैं 7th लेसन पर। अगर आपको वो देखने हो तो उन दोनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले पार्ट में मैंने कुछ एग्जांपल फिंगर पर सॉल्व किए थे और सेकंड पार्ट में मैंने एबेकस पर सॉल्व किए थे। तो ये थर्ड पार्ट हम एबेकस पर ही सीखेंगे। इसमें भी हम एबेकस वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। पर ये वीडियो देखने से पहले या फिर 7th लेसन सीखने से पहले आपको 5th लेसन, 6th लेसन, ये सब लेसन क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन लेसन में है स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले और ये सब एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपके सभी फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। तो क्या करो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्मॉल फ्रेंड्स की, आप वो चेक कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो प्लेलिस्ट देखो। उसमें मैंने सभी स्मॉल फ्रेंड्स के वीडियो एक के बाद एक सीरियली, मतलब एक के बाद एक ऑर्डर में आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हो, ताकि आपके सभी स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले क्लियर हो जाए। टोटल 8 फॉर्मूले स्मॉल फ्रेंड्स के, वो सभी मैंने सिखा दिए हैं। तो उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करो, फिर ही आपको ये एग्जांपल सॉल्व करने को इजी जाएगा। तो आप पहले तो वो वीडियो देख लो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो वो आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में से। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अगर मतलब आपने वो वीडियो देख लिए हो तो आप ये डायरेक्टली देख सकते हो, फिर आप ये भी सीख जाओगे कि 2-3 फॉर्मूले एक ही एग्जांपल में कैसे यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हमें दिया 50, ये लिए मैंने एबेकस पर 50। फिर प्लस फोर ये मैंने कर दिए। फिर -12, अब -12 के लिए मुझे फार्मूला यूज़ करना होगा कि -10 इज इक्वल टू -50 +40। और 2 माइनस करने के लिए यहाँ पर मैं इजीली माइनस कर सकता हूँ। फिर -30, तो ये मैंने माइनस कर दिए 30। सो आर आंसर इज 12। सो यहाँ लिख देता हूँ 12। फिर उसके बाद हमें दिया है 90, ये लिए मैंने 90। फिर -10, ये कर दिया -10। फिर है +9। फिर है -40, उसके लिए -50 +10। सारा आंसर है 49। तो यार लिख देता हूँ 49। फिर है 60, ये लिए मैंने 60। फिर है +29, ये 20 और ये 9। फिर है -40, -40 के लिए -50 +10। फिर -8, सो आर आंसर है 41। फिर हमें दिया है 80, ये लिया मैंने 80। फिर +12, ये 12। फिर -60। फिर +24, तो उसके लिए मुझे करना होगा -30 +50 और 4 ऐड करने के लिए -1 +5। सो आर आंसर है 56। तो इसके बाद 5th एग्जांपल में हमें दिया है 13, ये लिए मैंने 13 +62, ये लिए मैंने 62। तो ये -3 +5। फिर -41, उसके लिए -50 +10 और 1 माइनस करने के लिए -5 +4, उसके बाद -10। सो आर आंसर है 24। सो ये 24 इज द आंसर। एंड देन 6th एग्जांपल में ये लिए मैंने 16, फिर +80, ये 80 ऐड कर दिए। फिर -83, तो ये 80 गए और 3 माइनस करने के लिए -5 +2। फिर +10, सो आर आंसर 23। फिर 7वें एग्जांपल में है 44, फिर -30, फिर +50, फिर -23, तो उसके लिए -50 +30 और ये 3 -41, ये लिए मैंने 41। फिर है 54 -40 +81, तो ये 80 और 1 के लिए -4 +5। फिर -90, सो आर आंसर ये ओनली 5, सिर्फ 5 ही बचे, इसलिए 5 ही है हमारा आंसर। फिर उसके बाद हमें दिया है 89, ये लिए मैंने 89 -45, तो ये -50 +10 और ये 5 माइनस कर दिए। फिर है 52, सो +52, फिर -3 +5, फिर है -1, सर आंसर है 95।
95। सो इसके साथ ये रो तो हो गए हैं कंप्लीट, और आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अब यहाँ पर हमारा सातवां लेसन एंड हो जाता है, इसके बाद हम देखेंगे एट्थ लेसन। मतलब एट लेसन के पहले भी एक टॉपिक है, वो आपके लिए सरप्राइज है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे एट लेसन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।